भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 622 रनों का विशाल स्कोर बनाकर पारी घोषित कर दी है। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा के अलावा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी शतक जड़ इतिहास रच दिया है। हालांकि ऋषभ पंत एक स्ट्रोक बल्लेबाज हैं जो अपने तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पारी में ऋषभ ने यह भी साबित किया कि उन्हें धैर्यपूर्वक भी बल्लेबाजी करना बखूबी आता है। पंत ने पहले पुजारा के साथ इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी निभाई और 159 रनों की शानदार पारी खेल पंत नवाद रहे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत दोहरा शतक भी जड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे छोर से जडेजा के आउट होते ही कप्तान विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी। ऋषभ पंत ने अपने करियर का दूसरा टेस्ट शतक जड़ने के साथ ही कई बड़े विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। ऋषभ पंत पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर शतक जमाया है। इसके अलावा भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले ऋषभ पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज को भारत की एक दूसरी टीम से बाहर कर दिया गया है जो विश्व कप 2019 में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन विश्व कप इतना करीब होने के बावजूद ऋषभ पंत को एक दूसरी टीम से बाहर करना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें विश्व कप टीम में शामिल नहीं करना चाहता। जबकि दूसरी तरफ सुपर फ्लॉप चल रहे लोकेश राहुल को मौके पर मौके दिए जा रहे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऋषभ पंत को 2019 विश्व कप टीम में जगह मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।